सीमेंट इंडस्ट्रीज से आया था, गुजरात के रोंझड़ गांव में जो धनसुरा तालुका के पास पड़ता है। एक हम लोग नया फिल्टर बनाए थे, सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर है। हम आप किसान भाइयों को ये समझाना चाहते हैं कि ये सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर और रेगुलर फिल्टर में बहुत सारे चेंजेस हैं। जो ऑटोमेट इरिगेशन कंपनी का बनाया हुआ इसके सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर है, रेगुलर फिल्टर से ये अंतर है इसमें कि रेगुलर फिल्टर को खोल के क्लीन करने में फार्मर को बहुत सारी तकलीफ आती थी। ये सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर नई तकनीक का बना हुआ फिल्टर है, नई टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है और अच्छे मटेरियल्स का बना हुआ है, जिससे कि क्लीन करने में 2 से 4 सेकंड का मात्र टाइम लगता है। जब भी फिल्टर चोक होगा, इसमें इंडिकेटर दिया हुआ है, रेड कलर का इंडिकेटर दिखेगा तो जिससे पता चल जाएगा कि फिल्टर चोक हो चुका है। फिर उस पे ड्रेन वाल्व खोलनी है, ड्रेन वाल्व खोलते ही आपको हैंडल को घुमाना है, 1 से 2 बार आप घुमाएंगे, इंडिकेटर अंदर चला जाएगा, फिल्टर साफ हो जाएगा, जो कि फार्मर को बहुत आसान काम है। इसमें से पंप को बंद नहीं करना पड़ेगा, चलते हुए सिस्टम में फिल्टर को साफ कर सकते हैं, मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का काम है। ऑटोमेट कंपनी द्वारा बनाया गया सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर चलती लाइन में डिस्क साफ करने वाला किसानों के लिए सुविधाजनक और उपयोगी फिल्टर है। बार बार डिस्क फिल्टर को खोलकर उसकी डिस्क साफ करने के काम से छुटकारा दिलाता है। पानी के साथ आने वाले महीन से महीन कंकड़, कण, छोटे पत्ते, काई इत्यादि डिस्क के बाहर और बीच में दिए गए चैनल के अंदर फंस जाते हैं। क्रिस क्रॉस में बने चैनल का डिजाइन 95% से अधिक गुणवत्ता से काम करता है। डिस्क फिल्टर में कणों के रुक जाने से पानी के दबाव में अंतर 0.6 किलोग्राम से अधिक होने पर दिया गया लाल बटन ऊपर उठ जाता है, जो यह संकेत देता है कि फिल्टर को साफ करने की जरूरत है। फिल्टर की सफाई शुरू करने के लिए सबसे पहले नीचे दिए गए फ्लशिंग वाल्व को धीरे से घुमाकर खोल दिया जाता है। उसके पश्चात ऊपर दिए गए फिल्टर हैंडल को धीरे से घड़ी की दिशा में 1/4 घुमाया जाता है। फिल्टर हैंडल को घुमाने से एक तो ऊपर लगी जाली अंदर आने वाले पानी के सामने आ जाती है और साफ हुआ पानी अंदर लगे पाइप में से होकर तेज प्रेशर से डिस्क के अंदर से बाहर आता है। दूसरा, डिस्क के नीचे लगे स्प्रिंग सिस्टम से डिस्क के बीच में गैप बन जाता है। इस वजह से डिस्क के अंदर फंसे कण बाहर की तरफ निकलकर नीचे फ्लशिंग वाल्व से बह जाते हैं। 15 से 20 सेकंड के इंतजार के बाद दिए गए फिल्टर हैंडल को वापस घुमाकर पुरानी अवस्था में कर दिया जाता है। फिल्टर हैंडल घुमाने की प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराना चाहिए। इस प्रक्रिया को दोहराने पर ऊपर लगा लाल बटन अपने आप नीचे की तरफ आ जाता है, जो यह संकेत देता है कि आपके फिल्टर की डिस्क अब साफ हो चुकी है। अतः सबसे पहले फिल्टर हैंडल को पुरानी अवस्था में लाते हैं, उसके बाद फ्लशिंग वाल्व को बंद करते हैं। इस तरह सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर वापस अपना काम शुरू कर देता है। अंत में फिल्टर बॉडी में लगे वाल्व को खोलते हैं, जो सफाई प्रक्रिया के दौरान जाली पर लगी गंदगी को बाहर निकाल देता है। फिल्टर को पूरा खोलकर डिस्क को 3 से 6 महीने के भीतर जरूर साफ करना चाहिए, जिससे डिस्क फिल्टर की उम्र बढ़ जाती है। यह फिल्टर 2 व 3 इंच साइज में उपलब्ध है। एक बार सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर लगाएं और लंबे समय तक आराम पाएं।